यूपी के हमीरपुर जिले की राठ कोतवाली के अंतर्गत आने वाले उरई स्टैंड चौकी के पास कल्ला व्यापारी शिव कुमार गुप्ता की दुकान में चोरों ने सेंध लगाकर 70,000 रुपए का माल पार कर दिया। दरअसल चोरों ने वारदात के दौरान पहले पीछे की दीवार गिराई और उसके बाद 10 बोरी उड़द की दाल ले गए, जिसकी कीमत 70,000 रुपए के करीब की बताई जा रही है। दुकानदार रोज की तरह शाम को दुकान बंद करके घर में चैन की नींद सो रहा था कि अचानक फोन की घंटी बजने से उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही दुकानदार को चोरी की खबर मिली, वो आनन फानन में भागकर अपनी दुकान पर पहुंचा, जिसके बाद उसके होश उड़ गए। इस दौरान दुकान के पीछे स्थित खेत में उड़द की दाल बिखरी पड़ी हुई मिली। चोरों ने पहले कबाड़ी की दुकान का ताला तोड़ा, फिर दीवार को तोड़ा और चोरी के बाद बोरी बदल कर माल को गायब कर दिया। पीड़ित दुकानदार शिव कुमार गुप्ता ने बताया कि उसके दुकान में ऐसा पहली बार हुआ है। चोरों की असलियत सामने आना बेहद जरूरी है। चोरों का ये दुस्साहस पुलिस के लिए खुली चुनौती के समान है। वहीं हैरान करने वाली बात ये रही कि चोरी चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुई। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है और जल्द चोरों की गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है। दुकान से दीवार तोड़ करके औरत निकाल लिया गया, उसमें किसकी शरारत है ये पता नहीं। कितने बोरी औरत गई आपकी? बोरी चले गए होंगे 10। कितना करीब चला गया? कितने कीमत का होगा? 45,000 का। हमीरपुर से जनमत न्यूज के लिए कर्मेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।